वेलकम माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। क्वेश्चन तीन, कैन ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बी ए पैरेललोग्राम इफ, क्या एक चतुर्भुज एक पैरेललोग्राम हो सकता है? एक चतुर्भुज है ए बी सी डी, हमने बना लिया एक चतुर्भुज, ठीक है, ये हमने बना लिया ए, क्या ये पैरेललोग्राम हो सकता है? देखो, पैरेललोग्राम का अगर इसमें जो है कोण डी और कोण बी 180 डिग्री हो, कोण डी ये और कोण बी, अगर ये दोनों मिला के 180 डिग्री हो, आमने सामने के कितने होंगे, 90-90 हो जाएंगे ना। अगर ये दोनों 90-90 हो या दोनों मिलाकर के 180 डिग्री हो, तो क्या ये पैरेललोग्राम होगा? तो हम इसका उत्तर क्या ले सकते हैं, हो सकता है। अगर मान लीजिए ये चारों भुजाएं बराबर हो, ये भी 90 हो, अगर ये सीधी हो तो ऐसा हो सकता है। अगर ये चतुर्भुज जो है इसकी बजाय अगर ऐसे सीधा हो, यानी चारों भुजाएं इसके बराबर हो, ए से बी और बी से सी और सी से डी, ये तो ये सभी 90 डिग्री हो जाएंगे, तो ये हो सकता है। अगर ऐसा हो, अगर ये वर्ग हो, यानी चारों भुजाएं बराबर वाला, तो हो सकता है, और अगर ये हो तो भी होगा दोनों, लेकिन ये किस स्थिति में नहीं होगा, मान लीजिए ये 90 है, दोनों 180 है, तो ऐसा भी हो सकता है ये 100 हो और ये जो है 80 हो। अगर ऐसा होगा दोनों मिलके तो एक 180 हो गए, लेकिन ऐसे भी तो हो सकते हैं 180, अगर इस मामले में नहीं होंगे 90, ठीक है, इस मामले में जो है समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता, ऐसा भी हो सकता है, इसमें तो हो गया, इसमें ना भी हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, भुजाएं जो है बराबर नहीं हो, ये ज्यादा पीछे भी हो जाए, ऐसी भी हो सकता है, तो ये चतुर्भुज जो है ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ये और आमने सामने की भुजाएं बराबर नहीं हो, और दो को दो जो कोण है ये बराबर हो सकते हैं, ये दोनों, ये वाला और ये वाला, ओके, इसलिए हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, हो सकता है लेकिन आवश्यक नहीं है कि कंपल्सरी नहीं है कि हो ही, ऐसा नहीं होगा। इसका उत्तर क्या होगा, हो सकता है परंतु आवश्यक नहीं है, यस इट कैन बी बट नॉट नेसेसरीली, ऐसे लिखेंगे। अच्छा, हिंदी में लिखेंगे हो सकता है लेकिन आवश्यक नहीं है। बी में ए के बराबर, ए बी के बराबर, यानी ये ए बी है, ये ए बी लाइन है, इसके लाइन डी सी है, तो ए बी बराबर डी सी बराबर 8 सेंटीमीटर, ये जो है 8 सेंटीमीटर है और ये भी 8 सेंटीमीटर है, ए बी और डी सी 8 सेंटीमीटर है, और ए डी जो है ये कितने 4 सेंटीमीटर है, और बी सी 4.4, तो यह पैरेललोग्राम होगा नहीं होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो समान होती है, ये तो आमने सामने की भुजाएं 8-8 समान है, लेकिन ये वाली समान नहीं है, क्योंकि एक तरफ 4 सेंटीमीटर, एक तरफ 4.4 सेंटीमीटर है, तो हम कहेंगे कि नहीं, ठीक है, नो, एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, इसीलिए ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ओके। इसमें क्या है, एक 70 डिग्री हो, मान लीजिए ए जो कोण है ये 70 डिग्री है और सी 65 डिग्री है, तो हो सकता है क्या? देखो, हमने कहा था कि पैरेललोग्राम के सम्मुख भुजाएं और सम्मुख कोण दोनों बराबर होते हैं, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, लेकिन यहां पर नहीं है, सम्मुख कोण मतलब सामने के कोण, ऑपोजिट एंगल्स, यानी यहां 70 है और यहां 65 है, नॉट इक्वल, इसलिए ये भी नहीं होगा, नो, क्योंकि एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, नो, बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स इन ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, और इसमें नहीं है, इसलिए, क्लियर। ये क्वेश्चन तीन के आंसर्स यहां लिखे हुए हैं, पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री के, आप इसको पढ़ सकते हैं, हमने समझा तो दिए हैं, फिर भी लिखने में कैसा लिखना है आप ऐसे लिख सकते हैं। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।